Hello everyone, I am Ibadur Rahman and today I will explain exercise 23B of class 7 mathematics. In this chapter we will discuss about the mean and solve the problem based on the mean. So first of all, that what is mean? Mean means the arithmetic mean in statistic as the same as average in arithmetic. Arithmetic mean वैसे ही होता है जैसे कि हम लोग अर्थमेटिक में एवरेज फाइंड करते हैं, मीन्स किसी चीज़ का एवरेज ही निकालना अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अब मीन कैसे मालूम होगा? जो भी नंबर दिए गए उन सारे नंबर को ऐड किया जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगे उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। मीन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एक्स बार से। सो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेक एग्जाम्पल, द डेली मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन अ डिग्री सेल्सियस एट जयपुर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2016 वॉज एज अंडर दिस। फाइंड द मीन टेम्परेचर रिकॉर्डेड। अब जो टेम्परेचर दिए गए वो पूरे एक वीक के हैं, एक वीक मीन्स 7 डेज। सो मीन टेम्परेचर सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल द टेम्परेचर 42 + 43 + 40, लाइक दिस डिवाइडेड बाई 7। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 7, सो वी डिवाइड यू बाई 7। एट दिस नंबर 302/7 by dividing we get 43.1 degree Celsius as a mean of the given observation. Same as we can solve exercise problem. Now let's start exercise 23B. Here these questions are given. Find the mean of the following. If you want, you can take a screenshot of this question. So I will explain from question number 1, first part. Find the mean of the following 2204 3957. Let's see the solution of question number 1 part first. Now, question number 1, first part, given numbers are 2, 2, 0, 4, 3, 9, 5, 7. 2, 2, 0, 4, 3, 9, 5, 7. Clear? Mean is equal to sum of all observation divided by number of observation. अब इसमें जितने भी number हैं सबको ऐड करना है, उसके बाद इनको डिवाइड करना है। नाउ लेट्स ऐड दिस नंबर। ये सारे नंबर को ऐड कर लेंगे। देखिए लिख लिया मैंने, इसको पॉज कर दिया था मैंने क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो ठीक है, 2 + 2 + 0 + 4 + 3 + 9 + 5 + 7। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं। ज़ीरो एज ए ऑब्जर्वेशन है, सो उसको हम एज ए काउंट करेंगे एज ए ऑब्जर्वेशन। तो कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो हियर डिवाइडेड बाई 8। जितने नंबर ऐड करेंगे उतने से ही आप इसको डिवाइड करिएगा। टोटल इनका सम कितना हो गया? 32। यहाँ लिख देते हैं 32/8। सो 8 × 4 = 32। वर्ड इज मीन? मीन इज इक्वल टू 4 एज ए आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। क्लियर? नाउ इन थर्ड पार्ट इज इट इज़ गिवेन दैट फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 × 3। फर्स्ट 10 × 3 मीन्स जैसे कि हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, तो जो 3 के टेबल में नंबर आएंगे वो मल्टीपल ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 + 30। ये नंबर हो गए आपके 10 × 3। ओके, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? जाहिर सी बात 10 × 3 है तो 10 होंगे। अब इनका सम क्या होगा? ठीक है ना, अब आपको देखना है इनका सम कितना है। आप इनको ऐड कर लीजिए सिंपली, कितना हो जाएगा? 165/10। क्लियर? अच्छा, ये ऐड करने पे 165/10 मिल गया आपको। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें, आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिजल्ट ला सकते हैं और डेसिमल के फॉर्म में। इफ़ वी डिवाइड 165/10 वी गेट 16.5 एज ए आंसर। क्लियर? सेम एज यू कैन सॉल्व रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। हियर रेखा ऑब्टेन द फॉलोइंग स्कोर आउट ऑफ 100 ऑन द सेट ऑफ मैथ टेस्ट। दिस व्हाट इज हर मीन स्कोर। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले इनको ऐड करना है। टोटल कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो डिवाइडेड बाई 6 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। विनर लास्ट 6 बैटिंग स्कोर वर दिस, व्हाट इज हिज मीन स्कोर। तो
सबको ऐड कर लीजिए, टोटल नंबर ऑफ जितने ऑब्जर्वेशन है उतने आप डिवाइड कर दीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन सबको ऐड करना है, 6 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अरुण एंड दीपक सेट फॉर 6 टेस्ट, देयर परसेंटेज स्कोर वर दिस। अब ये अरुण एंड दीपक का परसेंटेज स्कोर मालूम है, अब आपको ये बताना है कि हु हैज़ द हायर मीन्स स्कोर। तो पहले अरुण का स्कोर निकाल लीजिए, उसके बाद दीपक का स्कोर निकाल लीजिए, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि किसका स्कोर या किसका परफॉर्मेंस बेटर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कौन कौन सी है पहले ये जानना है, उसके बाद हमको उसका मीन निकालना है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होते कौन कौन से, जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब इनका हमको मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए हम सबको ऐड करेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म जितने हैं उससे हमको इन्हें डिवाइड करना होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो कितने से हम डिवाइड करेंगे इसको, 10 से। अगर हम सबको ऐड कर लें तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा 155/10, मीन्स ये क्या हो गया, 15.5। क्लियर, ये मीन हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 इट इज़ गिवन दैट इफ द मीन ऑफ 16, 14, x, 23, 20 इज 18, मीन्स इन सब का मीन क्या है, 18 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले तो हम मीन के लिए क्या यूज़ करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म, मीन 16 + 14 + x + 23 + 20 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1, 2, 3, 4, 5, सो डिवाइडेड बाई 5। क्लियर, नाउ गिवन मीन इज इक्वल टू 18, सो यू कैन राइट हियर 18। नाउ एड ऑल दिस नंबर, 16 + 14 = 30, 30 + 43 = 73 + x डिवाइडेड बाई 5। क्लियर, नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 18 × 5 = 90 = 73 + x। फॉर वैल्यू ऑफ x वी ट्रांसफर 72 टू लेफ्ट साइड, मीन्स 90 - 73 = x। सो वॉट विल बी वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 90 - 73, सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू 17। क्लियर, सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू 17 एज ए आंसर। ओके, नाउ सेम एज यू कैन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज़ गिवन दैट इफ द मीन ऑफ x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 इज 24, मीन्स मीन ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशन इज 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक चीज़ ज़रा सा ये समझिएगा कि यहाँ पर x प्लस 2 को सिंगल टर्म मानिएगा, ऐसा मत सपोज कर लीजिएगा कि x अलग है 2 अलग है, कॉमा के बाद जो है वो सब कुछ सिंगल टर्म है, फर्स्ट टर्म ये पूरा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स x प्लस सेकेंड टर्म x प्लस 2, नाउ x प्लस 4, अगेन x प्लस 6 एंड लास्ट x प्लस 8। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, सो डिवाइडेड बाई 5। ओके, नाउ गिवन मीन इज इक्वल टू 24, सो यू कैन राइट हियर 24 x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5 टाइम्स, सो 5x। नाउ एड दिस नंबर, 2 + 4, 6 + 6, 12 + 8, 20 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर, नाउ 5 मल्टीप्लाइड बाई 24 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 5x + 20। क्लियर, नाउ 4x 20 ट्रांसफर टू राइट साइड, 120 - 20 इज इक्वल टू 5x, मीन्स 100 इज इक्वल टू 5x, सो यू कैन राइट हियर 5x इज इक्वल टू 100, मीन्स x इज इक्वल टू 100/5, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 एज ए आंसर। क्लियर, इट इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।
क्या किया गया, सबसे पहला काम मीन के लिए एड ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 5, एंड गिवन मीन इज इक्वल टू 24, सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 24, 25 फोर 120, इफ यू वॉन्ट यू कैन मल्टीप्लाई 24 बाई 5 एट एनी रफ पोर्शन, नॉट 120, 20 ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100, मीन्स 5x इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 9, रेनु स्कोर्ड 73, 86, 78 एंड 75 इन 4 टेस्ट, वॉट इज द टेस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शी कैन स्कोर इन हर नेक्स्ट टेस्ट इफ शी हैज टू हैव ए मीन स्कोर ऑफ मिनिमम 80 मार्क्स इन 5 टेस्ट। आपसे कहा गया है कि रेनू क्या करती है, वो पहले 4 टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करती है, 73, 86, 78 एंड 75। अब बताइए कि वो 5th टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर करे कि उसका मीन कितने हो जाए 80 मार्क्स का। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं इट इज क्वेश्चन, वो नेक्स्ट 5th टेस्ट में उसका मार्क्स x है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। बट पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है बुक में। हियर क्वेश्चन नंबर 9, रेनू स्कोर 73, 86, 78 एंड 75 मार्क्स इन 4 टेस्ट, वॉट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स शी कैन स्कोर इन हर नेक्स्ट टेस्ट इफ शी हैज टू मीन स्कोर ऑफ मिनिमम 80 मार्क्स इन 5 टेस्ट। मीन्स ये 4 टेस्ट के मार्क्स दिए गए, आपसे कहा जा रहा है 5 टेस्ट में उसका मार्क्स क्या होना चाहिए कि उसके 80% स्कोर गेन कर ले। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मीन मालूम हो गया, मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स सम ऑफ 73 प्लस 86 प्लस 78 प्लस 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5, ना 5 ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4 एंड ये जो सपोज किया वो एक्स 5। नाउ गिवन मीन इज इक्वल टू 80, सब्सटीट्यूट हियर 80 एंड एड ऑल दीज 4 नंबर, सम ऑफ ऑल दीज नंबर इज इक्वल टू 312 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 5। नाउ विद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 80, वी गेट 85 ऑफ 400। इफ यू वॉन्ट यू कैन मल्टीप्लाई 80 विद 5 इज इक्वल टू 312 प्लस एक्स। नाउ एक्स इज इक्वल टू 400 माइनस 312 इज इक्वल टू एक्स, सो वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 88x, और सिंपली यू कैन से दैट एक्स इज इक्वल टू 88 एज ए आंसर। क्लियर? इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ फ्रॉम 10th क्वेश्चन लिटिल चेंज इन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सो फर्स्ट वी डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ लाइक 10th क्वेश्चन, देन विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड मैथड। हियर मीन ऑफ ग्रुप डेटा, मीन्स अगर से कोई ऑब्जर्वेशन आपका क्लास इंटरवल के फॉर्म में और ग्रुप वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसका मीन कैसे निकालेंगे। सपोज ये टेबल बनी हुई है, क्लियर है, ये कोई ऑब्जर्वेशन है, हाइट है किसकी क्या क्या एंड फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब इससे पहले के चैप्टर में, इससे पहले के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसमें क्या करना होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी नंबर कितनी बार यूज़ हो रहा है या उसको काउंट करने में उसकी फ्रीक्वेंसी या कितनी बार वो इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे, उस ऑब्जर्वेशन में कितनी बार वो नंबर आया हुआ है, इस तरीके के नंबर को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसको जो इंडिकेट करते हैं फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करते हैं उससे। तो सबसे पहला काम इसका सॉल्व कैसे होगा, हमें क्या करना होगा, जो ऑब्जर्वेशन होगा वो लिख लेंगे, यहाँ पे हाइट ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही तो हाइट को लिख देंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। ऑब्जर्वेशन को x लिख दिया एंड फ्रीक्वेंसी को f से। अब हमको क्या करना है, f इंटू x निकालना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 155 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 620, सेम एज 156 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये मिल गए। तो इस सारे नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, जो जिसके पास है उसकी सीध में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला आपको एफ एक्स, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स। ये जो डब्ल्यू के तरीके से साइन है, गिरा हुआ डब्ल्यू कह लीजिए, ये सिग्मा या समेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 7872, सबको ऐड करने पे मिल गया, एंड ये समेशन ऑफ एफ एक्स मीन्स फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पे मिला है समेशन। ये सिग्मा एफ एक्स या समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 50। अब आपको सिग्मा एफ एक्स मालूम हो गया, सिग्मा एफ मालूम हो गया, अब मीन के लिए एक नया फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये ऐड करके जो मिला है वो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या है।
तो ये मेथड आप तब अप्लाई करिएगा जबकि आपके पास ग्रुप डेटा होगा, अदरवाइज रे डेटा होगा जैसे इससे पहले के टॉपिक थे, तो सिंपली हम सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ना अप्लाई करके सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके की टेबल बनी होगी, तो हमको ऐसे टेबल बनाकर सिग्मा एफ एक्स फाइंड करना होगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 23B। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, 12th एंड 13th आर सेम एज। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 10, सो ऑफ रिटन यू कैन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, गिवन एक्स इज इक्वल टू 4, 8, 10, 12 एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3, 2, 5, 4। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टेबल ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सपोज कर लेते हैं ये आपकी टेबल है, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स मीन्स जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिखा जाएगा। क्लियर? नाउ गिवन एक्स आर 4, 8, 10, 12, 4, 8, 10 एंड 12। क्लियर? अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या दी है? इसके लिए फ्रीक्वेंसी दी है 3, 2, 5, 4, 3, 2, 5 एंड 4। अब देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, 4 इज 12। नाउ 8 का मल्टीप्लिकेशन 2 में होगा, 8 2 16, 10 5 50 एंड 4 4 12 4 48। क्लियर? ये मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ या समेशन ऑफ एफ, और जब इनको ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ एक्स या समेशन ऑफ एफ एक्स। क्लियर? अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5 + 5 10 + 4 14, ये हो गया आपका। इधर से ऐड कर लेते हैं, 6 + 2 8 + 8 16, कैरी 1 1 2 7 एंड 4 11 एंड 1 12, 126। मीन क्या होगा? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स या समेशन एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ कह लीजिए या समेशन एफ कह लीजिए। नाउ 126 डिवाइडेड बाई 14। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन डिवाइड बोथ द नंबर बाई 126, अदरवाइज डिवाइड 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6। Now again 7 9 63, so what is mean? Mean is equal to 9. Clear? It is your answer. I hope it is clear. Same as you can solve question number 12 11 12 and 13। अच्छा, question number 13 पर लिखिएगा, 11th and 12th तो आप simply कर लीजिएगा। Question number 13 में क्या करना है, ये 20 boys के एक observation table दी गई है, but इस table को ग्रुप वाइज डिवाइड नहीं किया है। तो सबसे पहला काम को क्या करना होगा, आपको ग्रुप वाइज डिवाइड करना होगा। इसमें देखिए 24 कितनी बार है, 24 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 24 की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही जो जो नंबर है आपको सारे नंबर लिखने होंगे, जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है ना, ऐसे एक्स की पोजीशन पे 22 17 18 19 20 22 23 24 25 जो भी है वो भी, और उनकी फ्रीक्वेंसी कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, तो ऐसे टेबल बन जाएगी आपकी। उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, बट फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो। 11 एंड 12 आई थिंक यू कैन सॉल्व, बट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एवरी वन, गुड बाय।